दिन भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 10 मिनट में आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। राजस्थान चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा बयान, राजस्थान में अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो बसपा देगी समर्थन। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, आज मुख्यमंत्री का नाम होगा तय। हैदराबाद सिटी में ओवैसी की बादशाहत कायम, AIMIM के साथ प्रत्याशी जीते। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। चुनावी दौर में 72 दिनों के अंदर हुए कुल 66 लाख से ज्यादा ट्वीट। बीजेपी की हार पर शिवसेना का तंज, शिवसेना ने कहा जनता ने दिया भाजपा मुक्त का संदेश। राजस्थान चुनाव में बहुमत से एक कदम दूर अटकी कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 199 सीटों में से 99 फीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 73 फीटें मिली हैं। एमपी में कांग्रेस बहुमत से 2 कदम पीछे, राज्यपाल के दरवाजे पर दी दस्तक। विजय माल्या के यूबी ग्रुप का कर्नाटक हाईकोर्ट से गुहार, नहीं बंद करे कंपनी। शराब कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों से धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप हैं। मेक्सिको में पटाखों के विस्फोट से दहला गिरजाघर, वहीं 7 लोगों की मौत। अमेरिका ने पाकिस्तान चीन को किया ब्लैक लिस्टेड और इसी सूची में अलकायदा भी शामिल। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 3,000 से अधिक मछुआरों को खदेड़ा। यूक्रेन रूस के साथ मैत्री संधि तोड़ने को आमादा, 20 साल से बना था ये रिश्ता। भगोरे विजय माल्या को कर्ज देने को लेकर ब्रिटेन की जज ने भारतीय बैंकों की आलोचना की है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 34 साल में सबसे खराब बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम 1984 में 19 पारियों के अंतराल में सिर्फ एक बार 300 रन का आंकड़ा पार कर पाई थी और इस साल भी वह करीब करीब ऐसे ही दौर से गुजर रही है। आईपीएल 2019, इस बार 346 खिलाड़ियों की होगी नीलामी, युवराज शमी का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए तय। 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी नई सौगात, मोदी सरकार इस तरह बढ़ाएगी सैलरी। नए गवर्नर की नियुक्ति से शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा चढ़ा। आरबीआई के नए गवर्नर ने कार्यभार संभाला, नकदी की तंगी दूर होने की उम्मीद। कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा जालंधर में गिन्नी के साथ लेंगे 7 फेरे, आप सभी फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं इनकी शादी। यूपी टीईटी रिजल्ट 2018 जारी हुआ, यूपी टीईटी उच्च प्राथमिक का रिजल्ट। उम्मीदवार अपने रिजल्ट यूपी टीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको upbasic.dubod.gov.in पर विजिट करना है। मायावती ने पहले कांग्रेस को फटकारा, फिर समर्थन देने का किया ऐलान, कहा भाजपा को फत्ता फिर दूर रखना है। वसुंधरा राजे रमन सिंह ने दिया सीएम पद से इस्तीफा, पर शिवराज सिंह ने अभी तक नहीं दिया है अपने सीएम पद से इस्तीफा। एमपी में कांग्रेस की राह हुई आसान, बसपा ने सरकार बनाने के लिए समर्थन का किया ऐलान। रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 ने छुआ जादुई आंकड़ा, कर डाली है रिकॉर्ड तोड़ कमाई। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई करते हुए एक ऐसा जादुई आंकड़ा छुआ है जिसे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही स्टार कर पाते हैं। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के ट्वीट के अनुसार फिल्म ने 12 दिन के भीतर ही 600 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा छू लिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराने का लक्ष्य तय किया है। सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ का तहलका, 3rd दिन कमा डाले इतने करोड़ रुपए। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर के मुताबिक पहले दिन 7.25 करोड़, वहीं दूसरे दिन 9.75 करोड़ और 10वें दिन फिल्म ने 10.75 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इसी के बाद फिल्म की कुल कमाई 27.75 करोड़ रुपए हो गई है। भारत लाया जाएगा विजय माल्या, लंदन की कोर्ट ने प्रत्यार्पण को दी मंजूरी। मेक्सिको की वेनेसा पॉन्स बनी मिस वर्ल्ड 2018, मानुषी छिल्लर ने पहनाया ताज। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हयात के साथ लंदन में मारपीट, सोफिया हयात के साथ लंदन में मारपीट हुई है। ये घटना लंदन के पार्क में हुई जब सोफिया एक महिला को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिल्म डायरेक्टर साजिद खान इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन से निलंबित। एमपी में बसपा सपा ने दिया कांग्रेस को समर्थन, कमलनाथ होंगे अगले सीएम। नहीं थम रही है रुपये में गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 72.20 रुपए हुई है। भारतीय रुपये में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, बुधवार को एक अमेरिकी डॉलर 35 पैसे कमजोर होकर 72.20 पर खुला है। शुरू हुई रेडमी नोट 6 प्रो की सेल, पाए 2400 का कैशबैक और 6000 GB डेटा फ्री। शियोमी की लेटेस्ट स्मार्टफोन रेडमी नोट 6 प्रो की सेल 12 दिसंबर 12 बजे से शुरू हो गई है। यूजर्स इसे MI.com से खरीद सकते हैं, जिस पर कंपनी आपको कई ऑफर दे रही है। कांग्रेस को समर्थन देना मायावती की मजबूरी या फिर बड़ा मास्टर प्लान,
तीन राज्यों में चुनाव पूर्व गठबंधन न होने की बात भुलाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को समर्थन का हाथ आगे बढ़ाकर लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं को बल दे दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति पर उठाए सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कप्तान नहीं टीम के खिलाड़ी जिताते हैं कोई भी मैच। उड़ान के दौरान धुआं उठने के बाद आपदा स्थिति में कोलकाता में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। जयपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो के एक विमान में उड़ान के दौरान धुआं उठने के बाद उसे आपातकाल स्थिति में कोलकाता हवाई अड्डे पर उतारा गया। सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बसपा के बाद सपा ने भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किया कांग्रेस का समर्थन। प्रेमी से मिलने से रोका तो पति को मिली दर्दनाक सजा, 26 बार चाकू से गोदकर की हत्या। दिल्ली के छावला थाना पुलिस ने 8 दिसंबर को भी युवक अमित उर्फ जॉनी की हत्या की गुत्थी को फुलझा लिया है। पुलिस ने अमित की हत्या के आरोप में अमित की पत्नी के दूर के रिश्तेदार सचिन और उसके चचेरे भाई बॉबी को गिरफ्तार किया है। 2 महीने के लिए निरस्त हैं ये 13 ट्रेनें। रिजर्वेशन कराने से पहले जान लें ट्रेन की पूरी खबर। कोहरे की वजह से ट्रेनों के संचालन में बांध काम करने के लिए रेलवे ने 13 ट्रेनें निरस्त कर दी है। वहीं 6 ट्रेनों के फेरे घटा दिए हैं और 4 ट्रेनों की दूरी कम कर दी है और 4 ट्रेनों को बदले हुए रूट पर चलाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 13 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू होगी। जेल का फील लेना है तो आइए तिहार, 500 रुपए में बिताएं एक रात। 500 रुपए दीजिए और देश की सबसे हाईटेक जेल तिहार में रात बिता सकते हैं। दरअसल तिहार जेल एक नई योजना पर काम कर रहा है। तिहार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जेल प्रशासन फील द जेल कॉन्सेप्ट को जल्द शुरू करने जा रही है। हर सेल में कम से कम 5 लोगों को रखे जाने का इंतजाम होगा। इस तरह एक रात में 20 लोग जेल का अनुभव ले सकेंगे। हेरिटेज ट्रैक पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ा इंजन, ट्रायल रहा सफल। कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर मंगलवार को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंजन दौड़ाने का ट्रायल सफल रहा। 35 मिनट में इंजन ने 18 किलोमीटर की दूरी तय की। अब जनवरी में इंजन के साथ कोच जोड़कर हाई स्पीड ट्रायल किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर, बीजेपी की हार पर महबूबा और फारूक बोले राम मंदिर एजेंडा हुआ फेल। दोस्तों तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। धन्यवाद।